चलो स्टार्ट करेंगे एवरेज चालू किया मैंने। हाँ तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, ओके वेवलेंथ इतना दिया हुआ, कितना दिया बोलो 4500 एंगस्ट्रॉम नहीं होता भाई, वो एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम। मैं रोज सुन रहा हूँ तुम लोग बोलते आर्मस्ट्रॉन्ग, हाँ ये बोलते रहते सब लोग, एंगस्ट्रॉम, ओके एवरीवन हियर, ठीक है चलो भाई हियर। तो भाई वेवलेंथ कितना दिया है 4500 एंगस्ट्रॉम, ओके। और आपको तो पता ही है कि भैया एंगस्ट्रॉम लिखने के लिए ठीक है, कैलकुलेशन के लिए ठीक नहीं है, तो कैलकुलेशन के लिए एंगस्ट्रॉम को किस में ले जाते हैं, तो इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ उसके लिए क्या करने का, इनटू बोलो ना 10^-10, ओके चलो। तो हुआ क्या एवरीवन, एक मेटल पे हमने एक रेडिएशन मारे, वो रेडिएशन का वेवलेंथ इतना था, सब इधर सब इधर सब इधर, एवरीबडी हियर एवरीबडी हियर, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एवरीवन एक ओके सुना, तो ऐसा है कि एवरीवन जो उसके उस मेटल के ऊपर हमने एक वेवलेंथ रेडिएशन मारे, रेडिएशन का वेवलेंथ इतना था, कितना था सब बोलो। अब आपको तो पता है मेटल का अपना एक ये होता है, क्या होता है वो वर्क फंक्शन इतना था 2.0 ev। अब आप बोलोगे सर 2.0 के बदले खाली 2 लिखो ना, हाँ आप सही सोच रहे हो, आपकी सोच सही है, 2.0 लिखने की क्या जरूरत है सर, इंक भी जा रहा है उसमें, प्रिंटिंग कॉस्ट भी जा रहा है, लिखने का तरीका वो है, लिखने का तरीका ही वो है, ठीक है। तो भले 2 लिख सकते लेकिन 2.0 लिखा जाता उसको, ठीक है। तो 2.0 ev। अब हमको ये भी मालूम है कि भैया लिखने के लिए ईवी ठीक है, कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए, तो लास्ट टाइम पे इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एवरीवन, ईवी से अगर आपको तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है एवरीवन, 1.6 × 10^-17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ईवी से कहां पहुंच जाओगे। ये वैसे ये है क्या 1.67 × 10^-19, अरे बढ़िया क्या है ये, क्या है ये जो नंबर है ना 1.67, ये है क्या चीज, कोई बताएगा, नहीं ये ना एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन पे ये जो यहाँ दिख रहा है, इधर इधर जरा घुसेंगे दीप में, जरा सुनो ये ना ये होता है इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है ये 1.67 × 10^-19, जब उससे मल्टीप्लाई करते हो तो ईवी बन जाता है जूल्स, ठीक है। बस अगर यहाँ पे खाली मैं प्लस कर दूँ, क्या कर दूँ, ये क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा सर, और क्या होगा, हाँ 10^+19 होगा, ये अच्छा है, प्लस करेंगे तो क्या होगा सर, 10^+19 होगा, पहले -19 था, आपने प्लस करके उसको +19 बना दिए, प्लस करेंगे तो क्या होगा, कोई बता सकता है, सोचो जरा सोचो कॉमन सेंस, अरे अगर 10^-19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, कॉमन सेंस, इसी के वेरी गुड, प्रोटॉन का वैल्यू बन जाएगा यार, प्लस करोगे तो प्रोटॉन, यही तो लॉजिक चाहिए, यही तो लॉजिक चाहिए आपको एवरीवन, ओके आगे जाके जो भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे ऐसी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, खैर सुनो एवरीवन हियर, आगे बढ़ते, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड मूव अलोंग द सर्कुलर पथ ऑफ रेडियस, इन शॉर्ट हमको आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आर, जिसका वैल्यू कितना दिया है 20 cm, हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिए, वैसे हम लोग कैसा करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है बोलो 10^-2 रिटर्न आना है तो 10^+2, लिखा करो यार लिखा करो ये सब चीज़ें लिखा करो एवरीबडी यार सुनो। तो भाई हमसे पूछा क्या गया सर, हमसे पूछा गया वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसका, तो क्या मैं बोल सकता हूँ हमसे बी पूछा गया हुआ, क्योंकि बी ही तो हमारा, ठीक है। तो भैया सुनते एक बार क्या क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है एमस्ट्रॉन्ग में इतना, मीटर में इतना, 50 दिया हुआ है ईवी में इतना, जूल में इतना, रेडियस दिया हुआ सेंटीमीटर में इतना, मीटर में इतना, और पूछा क्या है। तो भैया एक चीज़ समझ ले, ये सब कुछ नहीं, जो मैं मेन चीज़ बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना, बी बी के लिए ये फॉर्मूला है, ओके यही चीज़ पे ध्यान दो, बी के लिए ये फॉर्मूला, बी इक्वल टू √2me/QR, बी इक्वल टू √2me/QR, ये मार्क कर लो खाली, ओके अच्छा अभी सुनो एवरीवन, रेडी एवरीवन,
हियर, इसमें ना एवरीवन कौन सी चीज़ हमारे पास नहीं है और क्या, ज़रा डिस्कस कर लेते। सुनो, सबसे पहले हमको फाइंड आउट क्या करना है, बी। तो फार्मूला ठीक है, फार्मूला ठीक है, क्योंकि हमको निकालना क्या है, बी निकालना है। चलो भाई, सबसे पहला बंदा टू, कोई टेंशन नहीं, ओके एज इट इज़। उसके बाद में एवरीवन लिखा है एम, क्या लिखा है, ओ सर एम की जगह पे क्या, एम एक्चुअली होता है मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या भैया, तो ये जो नंबर दिख रहा है 91.11 इंटू 10^-31, ये एम की वैल्यू है, याद रखना, हमेशा वो लोग देंगे नहीं, ठीक है। इनफैक्ट इस समय भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है ई, क्या आता है ई, ओके सुनो, ये ई सर ई कहाँ से निकालेंगे, तो ई जो है ना, सुन लो यहाँ पे एवरीवन, ई जो है ना हमको फाइंड करना पड़ेगा, ई की वैल्यू हमारे पास फिलहाल नहीं है, ई निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं बाद में बताता हूँ कैसे निकालेंगे। उसके नीचे दो बंदे, एक है क्यू, एक है क्यू, क्यू को मैं बताऊँ चार्ज, और चार्ज का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10^-2। हाँ, और रही बात उसके बाजू में कौन है सर, आर, आर कौन है, रेडियस, और रेडियस है क्या सर हमारे पास, अरे बिल्कुल है हमारे पास, है ना। तो एवरीवन इसका मतलब अगर बी निकालना है, क्या निकालना है बी, तो क्या क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए जो कि है, ई होना चाहिए जो कि फिलहाल नहीं है, क्यू होना चाहिए क्वेश्चन में आई मीन मालूम है, आर क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर वो ई के बारे में नहीं बताया सर आपने, ई कैसे लाने का, तो सुनो अब ई पे फोकस करते भैया, ई के लिए ना ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, सब बोलो जोर से, बोलो जोर से, एच कौन है, प्लैंक्स कांस्टेंट, कम ऑन, पट 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 पट, एवरीवन घर पे जाकर आया, होप सो एवरीवन आपने वीडियोस कई बार देखा है, तब तक देखो जब तक एक एक वर्ड आपके दिमाग में फुटना हो जाए, एवरीवन मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। सुनो ध्यान से, एच कौन होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एच कौन होता है, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है एवरीवन, ओके नहीं मालूम है तो देख के बता सकते हो। सी कौन होता है, स्पीड ऑफ लाइट, सी कौन होता है, इनफैक्ट ये सारे वैल्यूज डाल के हमने लास्ट टाइम पे सम सॉल्व किए थे, ठीक है। नीचे कौन है सर, लैम्डा, लैम्डा क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेवलेंथ है क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। उसके बाजू में कौन है, फाइव जीरो भी हमारे क्वेश्चन में, लेकिन अलग क्या है सुनो, इसका मतलब ये है कि भैया अगर ये सारी वैल्यू हम डाल दें तो हमको बराबर कुछ नया चीज़ नहीं ये मिल जाएगा, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं क्या बताना चाहूँ, अगर आप नोटिस करोगे भले ही हमने लैम्डा को कन्वर्ट किया मीटर में, लेकिन जब लैम्डा की वैल्यू डाले ना तो हमने क्या लिखे, बोले सर 4500 था, एंगस्ट्रॉम में था, मीटर में तो ये है, तो आपने मीटर में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि एक चेंज किया गया है, एक चेंज किया गया है कि भैया ऊपर कौन था, एच सी के बदले क्या लिखा हुआ है 12500। तो सुनो एक शॉर्टकट तरीका, अगर आपके पास लैम्डा है और एंगस्ट्रॉम में है, क्या है, या मैं बोलूँगा किस में है, एंगस्ट्रॉम में, तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो। अब ये तरीके में हम लोग क्या करते हैं मालूम है, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में ही रखते हैं, फाई को, फाई को क्या लिखना चाहिए था, 2 × 1.6 है ना, क्योंकि वो तो जूल है ना, ओके, लेकिन उसको किस में रखे हमने, ईवी में ही रखे, देखो ऐसा कर सकते, हाँ ऐसा कर सकते, लेकिन एक चेंज है, क्या चेंज है भाई, अगर कभी आप इसको एमस्ट्रॉन्ग में लिख रहे हो और इसको ईवी में लिख रहे हो, तब याद रखना ये जो न्यूमरेटर है ना एच सी, उसके बदले आप लिखोगे 12500, ये शॉर्टकट तरीका है, ये एक शॉर्टकट है, नहीं तो क्या करेंगे, अरे नहीं तो अपने पास पुराना तरीका है ना, एच की वैल्यू डालो, सी की वैल्यू डालो, लैम्डा की जगह पे वो मीटर वाली वैल्यू डालो, ई की जगह पे 50 की जगह पे ये जूल वाली वैल्यू डालो, सॉल्व करो बैठ के, वो भी एक तरीका सर, आंसर वही आएगा, वही आएगा। बस यहाँ पे हमने क्या किया एवरीवन, देख लो हमारा आंसर किस में आया था, ईवी में आया था, बाद में जाके हमने उसको वो सब हम लोग कर लेंगे, लेकिन ये भी एक तरीका है याद रखना, जबकि पिछली बार हमने सॉल्व किए थे ना, तो पिछली बार हमने हर एक की वैल्यू डाल डाल के सॉल्व किए थे, है ना सर, वो भी एक तरीका है, कौन सा यूज़ करने का, जो आपको अच्छा लगे, योर चॉइस, ठीक है। तो जब हमने सारी वैल्यू डाले, कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, मैं सम्स बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम ये सारी वैल्यू डालेंगे, फिर एक बार बता रहा हूँ, इसको नीचे था लैम्डा, लैम्डा को हमने रखे किस में रखे, एंगस्ट्रॉम में,
यहाँ पे लिखा था 50 की वैल्यू रखी हमने किस में, ईवी में, और जब ये दोनों यूज किए तब हमने एचसी के बदले क्या लिखा, क्या लिखा, 125 मेमोराइज दिस, ठीक है। चलो ये जब सारी चीज़ें कैलकुलेशन कैंसिल वैंसिल कर दिए, कैलकुलेट वैलकुलेट कर दिए, तब हमारा आंसर ये आया किस में, ईवी में। अब ऑब्वियस है 2.78 - 2 मतलब क्या आएगा बोलो ना। अब 0.78 ये आंसर किस में, किस में, लेकिन याद रखना है एवरीवन भैया, है तो घुमा फिरा के एनर्जी तो किस में चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही पुरानी कहानी, मल्टीप्लाई करोगे किस से, 1.6 × 10⁻¹⁹ है ना, पहले भी कर चुके, ईवी से जूल में ऐसे ही जाते हो, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लिए, मान लो ये वैल्यू आई, यानी हमको क्या मिल गया, क्या मिल गया, ओके। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए थे ये वाला फार्मूला, सब बोलो फार्मूला जोर से, अरे बोलो ना, इसमें बी मैग्नेटिक फील्ड है, वही तो निकालना है, एम मास है जो अपने को मालूम है, ई अभी तक नहीं पता था लेकिन अब पता है या निकाले हमने, क्यू मालूम है, आर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सही है। मतलब इसके आगे सिर्फ बचता है कैलकुलेशन, सही है एवरीवन, ओके। कैलकुलेशन भी अपन कर लेंगे, टेंशन मत लो, ये चीज़ पे फोकस करो कि सब में कुछ तो अलग है इस बार, और अलग है ये वाला हिस्सा, ठीक है, फाइन। तो पहले इतना रिवाइज करते फिर मैं कैलकुलेशन की बात करता हूँ। चलो रेडी एवरीवन हियर, सो भाई देखो ये जो बी का फॉर्मूला हमने वो लिखे पहले, फॉर्मूला क्या सब बोलो, बी। तो भैया हमारे पास एम की वैल्यू है ना, हमको पहले से ही मालूम है, वो लिख दिए, ये एम की वैल्यू हमको पहले से ही मालूम है, ओके। और नहीं मालूम है तो याद रखना है भाई, ये ई ई हमने सॉल्व किए और ये मिला 0.78, ईवी में था, उसको जूल में कन्वर्ट किए, ठीक है। नीचे क्यू, क्यू की वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए, आर, आर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई अब इसके बाद एवरीवन हियर सुनो अच्छे से, अभी सबसे पहले एवरेज सबको फ्री करो जरा, बी इक्वल टू √2 911 × 10⁻²। अब इधर देखो डेसिमल हटा रहा हूँ मैं, 10⁻³-31 × 78 × 10⁻²। फिर यहाँ पे है 16 × 10⁻¹ −1 ना, × 10⁻¹⁹ और नीचे है बोलो 16 × 10⁻¹⁹ × 10⁻¹⁹ × 2 × 10⁻¹³, ओके। अब ऊपर कहाँ कहाँ डेसिमल है जरा ध्यान देते हैं भैया, आई मीन पावर है, 1, 2, 3, 4, 5 पहले ये देखो कितना होता है, जल्दी से मैं लिख रहा हूँ भाई, बी इक्वल टू कितना होता है जल्दी बताओ, बी इक्वल टू √2 × 911 × 78 × 16 नीचे 16 × 2 हाँ चलो बोलो ऊपर कितना हो रहा, 10⁻², 10⁻², बोलो ना यार, माइनस 10⁻²-50। अच्छा नीचे कितना हो रहा है, 10⁻²-21 ठीक है। अब ये −55 को है ना, मैं क्या कर देता हूँ, इसको −54 कर देता हूँ, क्यों सर पता चलेगा अभी, रुको, बी इक्वल टू √2 × 911 × 78 × 16 × 10⁻²-1 × 10⁻²-54 और नीचे 16 × 2 × 10⁻²-21 सर ऐसा क्यों की सर आपने 10⁻²-54 सुनो सुनो बड़े ध्यान से फिर नहीं बंदे को देखो तो बोलो क्या है? बोलो ना जोर से, ये बंदा रूट के बाहर आ सकता है, अगर ये बंदा रूट के बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, आधा 10⁻²-54 का आधा कितना होता है, 54 का आधा 27, तो ये बंदा बाहर आएगा रूट के और बन जाएगा 10⁻²-24
27 और उसके साथ साथ में ये बंदा भी रूट के बाहर आ सकता है, वो नहीं है, इसका रूट तो मालूम होगा आपको 4 है ना, ओके। तो याद रखना सर ये बाहर आएगा, सही में बाहर आएगा सर। अरे भाई स्कूल लाइफ से हमको एक बात बताई गई है। क्या बताई गई है सर? भैया स्कूल लाइफ से हमको ये बात बताई गई थी कि भाई जब भी ऐसा होगा, मान लो 10^2 है तो बाहर आके, अगर 10^4 है तो बाहर आके, है ना, ऐसी होता आधा हो जाता है। सेम कहानी इधर -54 का क्या हो जाएगा, -27। 16 का तो आप ही ने बता दिया सर 4 होगा, ओके। अब जो लोग अंदर बचे उसकी फिक्र करते, ठीक है। चलो भाई रेडी, एवरीवन हियर, वी इक्वल टू, बोलो √2 इंटू 911 इंटू 78 इंटू 10^-1। तो 78 को ऐसा लिख दूं कि 7.8, तो 10^-1 उसके साथ चला गया ना। 16 का क्या होगा सर 4, 10^-54 का क्या होगा सर 10^-27, और नीचे कौन बचा, नीचे जो है सो है, एक है 16, एक है 2 और एक है 10^-, चलो -21 को ऊपर लेके जाओ। और छोटी छोटी बातें जैसे कि सर 4 × 4 = 16, सही है ना, तो 4 × 2 नीचे क्या हो जाएगा 8, ओके। तो b इक्वल टू हमको मिलेगा, b इक्वल टू √2 इंटू 911 इंटू 7.8 इंटू, बोलो इसको ऊपर लेके जाओ जल्दी से, नीचे 8 बोलो ना, कितना होगा 10^-6, देखो कितना छोटा हो गया। अब ये छोटे नंबर है, इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो यार, b इक्वल टू कितना होगा 911 का डबल, 911 का डबल 1822 इंटू 7.8 और नीचे 8 इंटू 10^-6, देखो सम कितना सिंपल लग रहा अभी, ओके। अब लॉग लगाऊंगा तो और इजी हो जाएगा, फिलहाल यहाँ तक कैसा पहुँचे एवरीवन ईयर, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए एवरीवन ईयर। नंबर याद रखना, मैं आगे चल रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, 1822 7.8 और नीचे 8 और बाहर 10^-6, आगे बढ़ू, ओके। निकाल लो पिक, निकाल लो, अगर निकाल याद रहेगा ना, छोटा नंबर है, ठीक है। चलो बोलो b इक्वल टू, हाँ 1822 7.8 अपॉन 8, इधर रेस टू मैंने हाफ लिख दिया, इधर बार 10^2 क्या है -6, हाफ क्यों लिखा सर, रूट था ना, रूट था ना, रूट को ऐसा लिख सकते क्या? अरे बिल्कुल लिख सकते भाई, पढ़ते आ रहे हम लोग बचपन से। क्या सर? कि भैया अंडर रूट ऑफ x रहा तो कैसा लिख सकते, x^1/2, वही कहानी यूज़ कर रहे हैं, ओके एवरीवन हियर। इधर 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 ना, मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, हाथ पे क्या लिखने की ज़रूरत है, इधर सुनो। अब अप्लाई करेंगे लॉग, क्या अप्लाई करेंगे लॉग, तो एवरीवन ये बन जाएगा लॉग 1822 इंटू 7.8 √2 नीचे 8 इंटू 10^-6। अब रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई बन जाएगा प्लस, है ना, चलो तीन ही तो लॉ है, मैं लिख के बता देता हूँ, तीन ही लॉ है, ओके। पहला लॉ है लॉग में, लॉग ए इंटू बी रहा तो वो बन जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। दूसरा लॉग ए अपॉन बी रहा, लॉग ए अपॉन बी रहा तो लॉग ए माइनस लॉग बी। तीसरा लॉग ए रेस टू बी रहा तो बी आगे आ जाता है और बन जाता है बी लॉग ए। यही तीन लॉ है, सुनो अभी आगे ही कहानी है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर आप देखोगे वरना आपको दिखेगा कि भैया हमारे सब में प्लस भी है, पावर भी है, डिवाइड भी है, आई मीन मल्टीप्लाई भी है जो प्लस बन जाएगा, डिवाइड भी है जो जो अरे डिवाइड क्या बनता भाई माइनस, और पावर भी है जो आगे आ जाता है, ठीक है। ये सारी कहानी को हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। अब जैसे यूज़ करेंगे तो सबसे पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ अलग से। चलो भाई एवरी ईयर b इक्वल टू, बोलो ध्यान से देखना, इस ब्रैकेट के ऊपर 1/2 है तो 1/2 ब्रैकेट लॉग 1822 प्लस लॉग 7.8 ब्रैकेट क्लोज माइनस लॉग 8, ओके। और उसके बाहर आएगा
इंटू 10^-6। तो ये क्या चेक कर लो भाई, हाफ खाली इसी के लिए, बस हाफ खाली इसके। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इतना ही है। मैं इनफैक्ट यहाँ से भी ब्रैकेट हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई खाली स्टेप पढ़ना घूमती ज़ोर से, बस खाली पढ़ना एक बार। ठीक है चलो भाई, आपको मालूम है सबका लॉग निकाल के रखो जल्दी जल्दी फटाफट। चलो एवरी ईयर, चलो तो बी इक्वल टू इधर 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 बी इक्वल टू 1/2। हाँ भाई चार डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 3 पॉइंट। चलो 18 का 2 में 2, बोलो 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 बोलो, 18 का 2 में 2, 18 का 2 में 2, 2606। देखो लिख रहा हूँ भाई 2606 प्लस 7.8 जीरो पॉइंट ना, ओके हाँ 78 का 0, 892 माइनस लॉग 8 जीरो पॉइंट, 80 का 0, 9031 ओके इनटू 10^2 बाहर माइनस 6। ठीक है चलो अभी सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरी वन ईयर, हाँ इन दोनों को प्लस करना है, जल्दी से प्लस करो फटाफट फटाफट फटाफट, इन दोनों को प्लस करो 1/1। चलो रेडी, तो b इक्वल टू 1/2 क्या बोले 4.1527 ओके माइनस 0.9031 इंटू 10^-6। चलो एवरीवन 4.1527 को डिवाइड बाय 2 करो जल्दी, 4.1527 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट करो जल्दी जल्दी, 0.9031 तो है ही यहाँ पे, इंटू 10^-6 जल्दी। ओके लिखता हूँ मैं यहाँ पे 2 पॉइंट, मुझे लग रहा कुछ गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, डिवीजन में गलती कर रहे हो, किसी और का कुछ अलग है, मुझे लग रहा है एक बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। सुनो एवरी ईयर सब लोग यहाँ ध्यान दो, ओके सुनो यहाँ पे एवरी वन यहाँ पे सुनो, एक नंबर है 4.1527 इसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 2 से, है ना। चलो भाई थर्ड फोर्थ में सिखाई जाने वाली चीज़ है, 2 2 4 माइनस किए ओके, है ना, पॉइंट की जगह पॉइंट डाल दिए उसका टेंशन मत लो। अब नीचे किसको उतारेंगे, 15, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, हाँ कुछ याद आ रहा है, नहीं वो ठीक है, मैंने 15 को नीचे उतारा, कुछ याद आ रहा है, आई मीन मैंने नहीं स्कूल में पढ़े तो वो कुछ याद आ रहा है, जीरो डाल क्यों डालेंगे, जीरो क्यों डालेंगे, जीरो एग्जैक्टली जब आप 2 डिजिट डायरेक्ट नीचे उतारते हो ना यहाँ पे जीरो डालते हो तो अब जाके होगा ये 2 7 14, फिर यहाँ पे एक बचेगा, फिर आप 12 लिखोगे बराबर, ये हो जाएगा 2 6 12 ओके खत्म सर। अरे नहीं भाई 7 भी नीचे उतारना है ओके, 2 3 6 माइनस करोगे 1 बचेगा, है ना ओके, अब 2 5 10 तो आपका नंबर है 2.07635। लेकिन फिर एक कॉमन सेंस वाली बात है, आपने सुना ही होगा अपने स्कूल लाइफ में कि अगर ये डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले क्या करो, आपका एक्चुअल आंसर है क्या है सर, एक्चुअल आंसर 2.0764। ये किसी ने नहीं बताया, मतलब सबका रॉन्ग था, और ये मिस्टेक यहाँ की नहीं है, ये मिस्टेक स्कूल लाइफ की मिस्टेक है ओके। स्कूल लाइफ में आपने बराबर सीखे नहीं ओके, अब ये मत बोलना कि टीचर ने सिखाए नहीं, वो लोग ने बराबर सिखाए रहेंगे, तुमने सीखे नहीं रहेंगे ओके, 2.076 ठीक है ये भाई। चलो माइनस करो जल्दी से 2.0764 माइनस 0.9031 जल्दी 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 ठीक है चलो एवरी वन ईयर।
ठीक है, तो b इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ क्या बोले, 1. बोलो ना अभी, 3 इंटू 10^-6, चलो 1733 एंटी लॉग फटाफट। अरे बताओ ना बिंदास कॉन्फिडेंटली, 1490 राइट है, चेक कर लो। चलो भाई 1490 एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10^2 कौन है यहाँ पे, 1 × 10^-6 ओके, तो बी इक्वल टू 1.490, 1-6 क्या होगा -5, तो 10^-5, ये है आपका बी का आंसर, क्लियर, परफेक्ट आंसर है इधर ओके। अच्छा सुनो यहाँ पे, इधर इधर ये बी है ना ओके, तो बी का यूनिट आएगा टी, एंड टी क्या होता है, टी क्या होता है भैया, दुनिया का सबसे फेमस कंपनी है आजकल टी, टेस्ला, टाटा बोल रहा कोई तो 1.490 × 10^-5 टाटा बोले ओके, टेस्ला होता है टेस्ला हो, ठीक है एनी हो, अब मेरी बात सुनो ओके, भाई टेस्ला कौन है मालूम तुमको, वेरी गुड वेरी ब्रिलियंट साइंटिस्ट है भाई, अरे ऑब्वियसली तभी नाम दिया रहेगा ओके। टेस्ला वो बंदा है एवरीवन, जिसकी ब्रिलियंस और जिसकी आईक्यू की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज एंजॉय कर पा रहे हैं, लेकिन इस बंदे की ऐसी ट्रेजेडी है एवरीवन ओके, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना ब्रिलियंट, इतना दुनिया भर की चीज़ें बंदे ने निकाला, लेकिन एंड में ना बंदा एकदम गरीबी में जिया है, और एकदम गरीबी में उनकी डेथ हुई है ओके, लेकिन बहुत ब्रिलियंट, और जल्दी डेथ हो गई, बीमारी की वजह से जल्दी डेथ हो गई, वरना जल्दी मतलब उतना भी जल्दी नहीं, लेकिन ठीक है अच्छा खासा जी नहीं, लेकिन बट बहुत ब्रिलियंट बंदा है, कभी आप टाइम मिले तो बताऊंगा। खैर एनी हो, तो ये उसका टेस्ला उसका नाम है ओके, उसका सिंबल दिया हमने ओके फाइन। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ एवरीवन, लॉग से कभी रॉन्ग नहीं होता, कितना भी खतरनाक कैलकुलेशन हो, अगर आप देखोगे एवरीवन एक पेज पीछे जाके ये अपना सम था ओके, ये अपना सम था एवरीवन, ये देखो ये शुरुआत यहाँ से कहीं से तो किए थे ओके, मतलब ऐसा कैलकुलेशन भी किए तो एग्जैक्ट आंसर है अपना एग्जैक्ट, जरा भी इधर उधर नहीं, तो लॉग इसीलिए आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एवरीवन, नहीं है तो करो सम कर करके लॉग को स्ट्रांग बनाओ। कैलकुलेशन में ही एवरीवन लोगों को डर लगता है, और जब कैलकुलेशन खराब होते हैं ना एवरीवन, तब इंसान न्यूमेरिकल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आप नहीं भाग पाओगे क्योंकि कंपलसरी है, आना ही है, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल्स में भी न्यूमेरिकल्स है, और प्रैक्टिकल्स में तो एवरीवन बोर्ड इंसिस्ट करता है कि आपके कैलकुलेशन लॉग से होनी चाहिए, तो नहीं बच पाओगे लॉग अगर नहीं किया ना, इसलिए अभी टाइम है अच्छे से सारी चीज़ें कर करके प्रैक्टिस कर करके साइड में डाल दो एवरीवन, ठीक है चलो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे ओके। अलग आप पढ़ना क्वेश्चन, चलो इसी का पहले कर ले। देखो एक्चुअली इसमें दो क्वेश्चन है, अगर आप बुक में देखोगे दो क्वेश्चन है, अभी सेकंड क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन और है, अरे कम ऑन, दो क्वेश्चन है ना, और सेकंड क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन और है ना, पहले ना फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है सुनो भाई क्या कहा गया। हाँ फलक एक और बार देखो, याद रखना हमने हमेशा नाम सुना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड, यहाँ पे क्या लिखा है, हमने सुना था कि भैया अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लो 10 है तो आपकी फ्रीक्वेंसी 10 से बराबर, सुनो एवरीवन, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा एक दूसरे के क्या भाई, एक दूसरे के भाई होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने कहा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो जो रूल फ्रीक्वेंसी में काम करेगा ना वेवलेंथ में उसका
उल्टा काम करेगा। अब आप ही सोच के बताओ जरा अच्छे से। फ्रीक्वेंसी के मामले में हम लोग बोलते थे अगर फ्रीक्वेंसी इतना आया तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। वेवलेंथ के मामले में अगर थ्रेशोल्ड इतना है तो आपका वेवलेंथ उससे कम होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या हुआ बोला, क्या बोला गया कि आपने वेवलेंथ डाला इस नंबर से, इस नंबर से ज़्यादा। आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ था कितना, और यहां लिखा है आपने उसी नंबर से 2.76 × 10⁻¹⁵ से ज्यादा वेवलेंथ डाला, तो बोले फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट क्यों नहीं हुआ पूछ रहा है। तो भैया वही कॉमन सेंस है जो फ्रीक्वेंसी में लगती थी। फ्रीक्वेंसी में हम लोग सुनते थे अगर ये थ्रेशोल्ड है तो आपकी फ्रीक्वेंसी उससे, यहां पे रूल क्या है, अगर ये वेवलेंथ है तो आपका अप्लाइड वेवलेंथ उससे। यहां पे वही तो बोल रहा भाई ज्यादा डाले तो क्यों नहीं हुआ, ऑब्वियसली यार नहीं होगा। ओके क्योंकि रूल के हिसाब से आपका वेवलेंथ उस वेवलेंथ से कम होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे लिखा है एवरीवन, ओके कि भैया आपका जो वेवलेंथ यहाँ पे नहीं, ये देखो यहाँ पे लिखा हियर, आपका वेवलेंथ जो है ना इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, उससे भी ज़्यादा डाल दिया है ना। तो भैया बंदा बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। हमेशा याद रखना एवरीवन, जो रूल फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा वेवलेंथ पे उसका उल्टा काम करेगा। फ्रीक्वेंसी पे हमने सुना था जो भी फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड, आपकी फ्रीक्वेंसी उससे, वेवलेंथ में उल्टा चलता है, जो भी फ्रीक्वेंसी दी गई है आप अप्लाइड फ्रीक्वेंसी उससे। जबकि यहां लिखा गया भैया आपने क्या किया, इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा डाल दिया। अभी आप ही पूछ रहे हो क्यों नहीं होगा, अरे भाई नहीं होगा, कॉमन सेंस हो, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उससे, आपका वेवलेंथ उससे कम होना चाहिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आप पढ़िए सेकंड क्वेश्चन। चलो भाई, इन शॉर्ट सेकंड केस में ये पूछा हुआ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सब बोलो क्या पूछा हुआ है ना। अब उसमें दो क्वेश्चन, हाँ पहला सब क्वेश्चन पढ़िए। चलो अभी सब यहाँ पे ध्यान दो, एवरीवन हियर, एवरीवन हियर। ठीक है, देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, सुनो। तो हमको बोला गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यही ना क्या फाइंड करना है, सब बोलो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की ये फॉर्मूला है, सब बोलो क्या है, एच न्यू माइनस फाइव। और हमको मालूम है हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, क्या सब लोग बोलो, काइनेटिक एनर्जी, दोनों में से कोई भी चीज़ यूज कर लो, डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें दी गई है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, दोनों में से कुछ भी यूज करने के लिए, कुछ भी यूज करने के लिए क्या चाहिए, और 50 आई थिंक सो नहीं दिया गया है भैया, थ्रेशोल्ड दिया गया है, ओके और बहुत सारी चीज़ दी गई है, लेकिन 50 हमको, तो 50 फाइंड आउट करने के लिए किसके लिए, ये फार्मूला 0 = hc/λ₀। पहली बार ये फॉर्मूला हम नहीं देख रहे भाई, पहले कई बार देख चुके हैं, फॉर्मूला बोलो जोर से। ठीक है ना, अब इसमें हमको जो है ना जो चीज़ दी गई है hc/λ₀। ठीक है, सुनो ध्यान से देखना एवरेन, क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इनटू एनर्जी कैन बी टेकन न्यूमेरिकल इक्वल टू 1 to 50। ओके, मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो फॉर्मूला ना 50 = hc/λ₀ में hc की जगह पे ये ले लो, क्या ले लो 1 to 50, और सर λ₀ की जगह पे ये देखो, ओके ये देखो आपका जो λ₀ था, λ₀ यानी थ्रेशोल्ड, सब बोलो कितना था थ्रेशोल्ड, ये आपका है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लेकिन किसमें, किसमें, मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको कन्वर्ट करो पहले नैनोमीटर में, फिलहाल किसमें, कहाँ जाना है, कैसे जाना है सर, होल्ड ऑन,
अगर आपने ना डायरेक्टली कर दिया इनटू 10^+9, ओके, तो क्या हो जाएगा, 9 - y क्या होगा, 4, यानी 10^4 आएगा। तो उस हिसाब से तो 2 0 तो इसमें चले गए, तो आंसर क्या आएगा, 2760, है ना। आप एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, ये किस में, सेंटीमीटर से नैनोमीटर में नहीं जाता भाई, वो जो आपका कन्वर्जन है ना इनटू 10^+9, वो मीटर टू नैनोमीटर है, हमारा बंदा किस में। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा एवरेज, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता, पहले सेंटीमीटर से कहाँ जाना पड़ेगा, फिर मीटर से कहाँ जाना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर से मीटर कैसे जाने का भैया, 10^-2 सही है, और फिर मीटर से नैनोमीटर, है ना, तो सेंटीमीटर से कहाँ गए, मीटर से कहाँ गए, यहाँ पे क्या करना पड़ा, वहाँ पे क्या करना पड़ा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भैया अगर मुझे सेंटीमीटर से नैनोमीटर पे डायरेक्ट जाना है तो 10^+7 करना चाहिए। अरे -2 और +9 कितना होता है यार, +7 ना, वही लॉजिक है। तो भैया इसका मतलब यहाँ पे हम लोग करेंगे 10^+7। अब देखो 7 - 5 = 2, अब 2 ने 2 डेसिमल को हटा दिया और एग्जैक्टली आंसर आया 276 किसमें, नैनोमीटर। समझ में एवरीवन, ये गेम लिख लो वहाँ पे, ये लिख लो नोट्स में, ठीक है। अच्छा अभी सेम कहानी बाद में भी जरूरत पड़ेगी तो अपन कर लेंगे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, तो यहाँ पे ना 50 का हमने फार्मूला यूज़ किया था। हाँ क्या फार्मूला, HC अपॉन HC की जगह पे हमने क्या डाले, 1250 क्या डाले, और लैंगडा की जगह पे क्या डाले, 276, ठीक है। एवरीवन लास्ट टाइम पे भी सुनो मेरी बात ध्यान से, ऊपर हमने HC की जगह पे एक नंबर डाला था, क्या डाला था, 12500। इस बार हमने क्या डाले, Q। एवरीवन इस बंदे की वजह से, पिछली बार याद करो, ये जो लैम्डा पिछली बार जो फॉर्मूला है उसके थे लैम्डा था, वो लैम्डा किस यूनिट में था, जाओ चेक करो, किस में था, एमस्ट्रांग में था। इस बार किस में, नैनोमीटर में, इसमें नैनोमीटर में। और क्योंकि ये नैनोमीटर में है, क्योंकि ये नैनोमीटर में है, इसलिए हमने यहाँ पे 1250 लिए। सर अगर हम लोग डायरेक्ट एमस्ट्रांग में कन्वर्ट करें तो 12500 ले लोगे। मैं आपको सारे पैटर्न बता रहा हूँ क्या 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 चीज़ें कर सकते। पिछली बार ये बंदा एमस्ट्रांग में था, ओके, इस बार ये बंदा नैनोमीटर में है। अगर नैनोमीटर में तो ये रखना, एमस्ट्रांग में तो 12500 रखना। वैसे भी आपको मैं बताऊं, इसको भी एमस्ट्रांग में ले जा सकते थे आप, इसके बदले डायरेक्ट एमस्ट्रांग में ले जा सकते थे, लेकिन दिक्कत क्या थी मालूम है, एवरीवन यार हमने इसको किस में लेकर गए, नैनोमीटर में। हम चाहे तो इसको एमस्ट्रांग में ले जाए, कैसे ले जाने का सर, पहले सेंटीमीटर टू मीटर, फिर मीटर टू एमस्ट्रांग, सेंटीमीटर टू मीटर कैसे जाने का, 10^-2 मीटर टू एमस्ट्रांग, 10^2 बोलो ना, 10^2 क्या एमस्ट्रांग टू मीटर जा रहे हैं, मीटर टू एमस्ट्रांग जा रहे हैं, मीटर टू एमस्ट्रांग में क्या होता है, देखो कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दो एवरी भाई, देखो 10^+10, ओके okay, अगर आप ध्यान से देखोगे 10 और -2 यानी कितने का फर्क आ गया, 10^8 है ना। अगर डायरेक्ट जाऊंगा सेंटीमीटर टू एमस्ट्रांग तो क्या करना पड़ेगा, बोलो ना जोर से, ओके okay, अब सुनो एवरीवन, पिछली बार क्या आंसर आया था, पिछली बार जब सेंटीमीटर से नैनोमीटर पे गया था क्या था, प्लस है, देखो 10 का फर्क आया ना, है ना, यहाँ 10^+8 है, वहाँ पे 10^2, इसीलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या लिया है, 1250, जबकि जब एमस्ट्रांग में रखते तो किस क्या लेते, 12500, 10 का फर्क आया, 10 का फर्क है, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, अगर ये नैनोमीटर में तो ऊपर क्या यूज करोगे, बोलो ना, अगर ये एमस्ट्रांग में है तो ये ऊपर क्या रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं पे ये बात लिख लो भाई, कहीं पे ये बात लिख लो, क्लियर। चलो सुनो यार,
अब एवरीवन इन दोनों को डिवाइड करोगे लॉग वॉग लगा के आंसर आ जाएगा 4.53। ऑब्वियसली आंसर किस में आया, डायरेक्ट ईवी में। ओके तो ये हमको मिला 50, क्या मिला? लेकिन याद है एवरीवन हमने ये 50 क्यों निकाले? इसके लिए क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या निकालना था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब एवरीवन हियर अब हमारे पास ना एवरीवन ये निकालना है हमको। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया था, कहाँ गया क्वेश्चन, ये इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ऑफ द वेवलेंथ दिस, मतलब ये हमारा लैम्डा है 1.80 × 10⁻¹⁵। 1.80 × 10⁻¹⁵ क्या, उसको भी हमने कन्वर्ट कर लिए, तरीका आपको मालूम है। तो ये आपको मिला लैम्डा अल्ट्रावायलेट राइट का, और ये आपका क्या है, थ्रेशोल्ड। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है। ओके, डायरेक्ट यही पढ़ लो, ये फॉर्मूला सब पढ़ो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलो। ठीक है, चलो भाई एवरीवन हियर, अभी एच सी डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1250। और ये हमने लिखे, ये कहाँ से आया, जो भी हमको रेडिएशन दिए थे ना उसको हमने नैनोमीटर में कन्वर्ट किए, माइनस 50। 50 का आंसर ऊपर ही है ना, है ना, डाल दिए। अब क्या, सिंपल इन दोनों को डिवाइड करो, ये आंसर आएगा, उसमें से 4.53 माइनस करो, ये जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स इन ईवी। सही है, ये कैलकुलेशन सिंपल कर लेंगे। फिर एक बार बता रहा हूँ, सुनो भैया ये फॉर्मूला हमने यूज, सर ये क्यों नहीं यूज किया इस बार क्वेश्चन में ना, आपने देखा लैम्डा था, देखो गिवन में देखो, ये पहले वाला गिवन यही था ना, फर्स्ट वाले का लैम्डा था, और क्योंकि लैम्डा था इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अगर फ्रीक्वेंसी होता तो ये वाला यूज कर लेते, अपने पास दोनों है, ये वाला यूज किए। ठीक है, एच सी के बदले हमने डाला, क्या डाला एच सी के बदले सर, ये 1250। तो लैम्डा के बदले क्या डालेंगे, लैम्डा के बदले हमारा ये वाला आंसर आएगा जो कि किस में था, नैनोमीटर, और क्योंकि ये नैनोमीटर में था इसलिए ऊपर क्या डाले, अगर एंगस्ट्रॉम में होता तो। ठीक है, और उसके बाद एवरीवन ये जो 50 है, 50 की वैल्यू हमारे पास है, उसको डाल दो। फिर क्या, ये दोनों को आप क्या डिवाइड कर लो, 0 कैंसिल वगैरह वगैरह, ये आएगा। ओके, माइनस करोगे ये आएगा, ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, सेकेंड पार्ट में एक और एक क्वेश्चन दिया है, पढ़ो बी वाला पढ़ो। एक सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बार वर्ड दिया हुआ है, पिछली बार, गेम समझ में आ रहा है, लास्ट टाइम हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, ये वाला, क्यों, क्योंकि उसमें, इस बार ऑब्वियसली हम ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि इस बार यानी एच न्यू माइनस 50। चलो भाई एवरीवन, फिर से वही किया इसने, ओके एच न्यू, अच्छा कन्वर्ट किया खाली, ये आपका एच है, ये आपका न्यू है, फ्रीक्वेंसी चेक कर लो, ये क्या दिया था भाई फ्रीक्वेंसी, ये देखो क्या दिया था फ्रीक्वेंसी, सब लोग बोलो, 4 × 10⁻¹⁵ हर्ट्ज़। ये देखो फॉर्मूले के हिसाब से एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, बराबर यही वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की, बोलो एच न्यू क्वेश्चन में दिया गया था, है ना सर, इसको क्यों डिवाइड किए, ये तो बोला ही नहीं था, याद करो क्यों डिवाइड किए, हम लोग ये खेल पहले भी खेल चुके हैं, यस 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 भैया, इसको चेंज करने के लिए जूल, अगर ये ऐसी करोगे तो आंसर जूल में आएगा, अगर डिवाइड करोगे तो आंसर ईवी में कन्वर्ट करने के लिए, और ये हम पहले भी कर चुके। ठीक है, माइनस 50 तो वही था जो पिछली बार लिए थे, है ना, चल उसके बाद क्या, खाली कैलकुलेशन। ओके, ये इतने हिस्से को सॉल्व करोगे आप, ओके तो इतने हिस्से को सॉल्व करोगे आप, यहाँ तक पहुँचोगे, बाकी देखो ये जैसे था वैसी है, माइनस कर लो यहाँ तक पहुँचो। ठीक है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है, फाइन एवरीवन, तो फर्क समझो एवरीवन, फर्क क्या है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये वाला टेक्निक यूज किए थे, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 50, इधर एच
न्यू एच है ना माइनस फाइव जीरो सही है ओके ये फर्क है ओके और कब पता चलेगा सर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है क्वेश्चन में गिवन क्या है अगर वेवलेंथ दिया है तो ये यूज करना फॉर्मूला अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो सही है एवरीवन ओके बस यही चीज का खेल है और कुछ नहीं है तो फिर एक बार समझाता हूँ ब्रॉडली कि हमने क्या किया सबसे पहले हमको ना ये दिया गया था क्या दिया गया था क्या था ये जोर से बोलो भाई और पहला ही क्वेश्चन है ना एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हमने लाइट मारा जिसकी वेवलेंथ इस वेवलेंथ से तो क्या होगा तो हमने सुना है वेवलेंथ की किस में क्या होता है जो भी थ्रेशोल्ड होता है आपका वेवलेंथ उससे कम होना चाहिए आप जो वेवलेंथ मारोगे इससे कम होना चाहिए सुना आपने एवरीवन लेकिन यहाँ पे उसने क्या कर दिया तो भैया फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे सेकेंड केस और थर्ड केस दोनों में यही चीज पूछा था क्या बस उसमें से जो पहला केस था ना उसमें हमको ना वेवलेंथ दिया गया था इतना ओके नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है किस में दिया गया था हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया मीटर से नैनोमीटर में ओके वो पूरा तरीका हमको मालूम है तो हमारे पास है ना लैम्डा आ गया था ये थ्रेशोल्ड आ गया था ठीक है फाइन ओके उसके बाद उसने बोला कि भाई हमने ना अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ मारा है क्या मारा है चलो भाई तो हमने ना हमारे पास है ना फॉर्मूला था लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज किया सब बोलो फॉर्मूला अब क्योंकि हमारा अच्छा सबसे पहले हमारे पास एक दिक्कत थी क्या फाइव जीरो था ही नहीं तो पहले हमने ये फॉर्मूला यूज करके फाइव जीरो निकाले ऊपर क्या था एच सी नीचे क्या था अब क्योंकि लैम्डा जीरो नैनोमीटर में किस में इसलिए ऊपर यस वो डाल के ये निकाल लोगे ठीक है चलो भाई अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए लैम्डा दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला सब बोलो मैक्सिमम बोलो इस बार लैम्डा ये है ये लैम्डा और वो भी नैनोमीटर में मतलब ऊपर क्या आएगा रही बात फाइव जीरो की वैल्यू हमने पहले निकाला हुआ डाल दो आंसर आ जाएगा लेकिन तीसरे केस में फ्रीक्वेंसी दिया गया था क्या दिया गया था तो भैया फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे सब बोलो एच हमको मालूम है प्लैंक्स कांस्टेंट है न्यू हमको मालूम है सही है ओके अब एवरीवन फाइव जीरो हमने पहले निकाल के रखा हुआ है बस इतना है एवरीवन कि इस केस में जब हमने ये दोनों वैल्यू डाले एच का और सी का ओके हमारा ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी किस में ईवी में ये वैल्यू किस में भाई तो भाई ये भी तो तभी तो माइनस होगा ये अलग ये जूल में वो ईवी में माइनस नहीं होगा ठीक है इसलिए उसको ईवी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया किस से बस सॉल्व किया आंसर आ गया ईवी सही एवरीवन ओके